वीडियो बाद में आई है, क्या कर रहे हैं? पगड़ी निकाल के रख लो ये। जो बुंदेलखंड की सौर पराक्रम और वैभव की माटी थी, आज अवैध खनन के कारण 200-200 रुपए में लोगों की जान जा रही। वो गरीब मजदूर जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई, जिसके सिर पर रहने के लिए छत नहीं थी, दो वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करता था, वो जिस तरह से उसकी मौत हुई है, मुझे लगता है कि ये मौत नहीं, हत्या है। मजदूरी कर रहा, ऊपर से मिट्टी गिरी और वो उसके नीचे दब गया। मुझे मालूम पड़ा, मैं मौके पे आया, जेसीबी से आसपास खुदाई करवाई के और कोई मजदूर तो नहीं दबा, लेकिन उन दोनों की जानें नहीं बची। ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों प्रशासन और सरकार सोई रहती है। अवैध रूप से खनन होता रहता है और हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी प्राथमिकता केवल नाम बदलने में है। अगर अवैध खनन को रोकना है और इसका नाम स्वर्ग रख दिया जाए, तो इससे अवैध खनन पर रोक नहीं लगेगी, इस पर कड़े प्रावधान की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि बुंदेलखंड की माटी में इस तरह के खनन पर रोक लगाई जाए, जिसमें गरीब आदिवासी अनुसूचित जाति का एक गरीब मजदूर 200 रुपए में अपनी दम तोड़ने के लिए मजबूर हो। तो क्या दो लोगों की मौत हुई है? हाँ, दो लोगों की मौत हुई है। तो कि लंबे समय से ये काम चल रहा था कि आज ही ऐसा कुछ हुआ? मैं तो आज जब मौके पे गया, तो अभी लगातार इस क्षेत्र में अभी चल रहा है और उसके पहले भी ये चलता रहा। और बिल्कुल पास में ही चौकी है, थाना है, मेडिकल कॉलेज है और शहर के बीचों बीच, अगर हम गांव के घाटों की बात करें, जंगल की बात करें, लेकिन शहर के बीचों बीच जहां पूरी आबादी रहती है, जहां कम से कम 10,000 लोग रहते हैं, करगुआ क्षेत्र, वहां पर अवैध खनन एक सवाल खड़ा करता है कि क्यों इस पर रोक नहीं लगाई गई।